जब भी हम अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई आउटडोर कैमरा प्लान करते हैं और जब हम मार्केट में रिसर्च करते हैं या R&D करते हैं, तो हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ हमारे जो कैमरे हैं वो नाइट में ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं, कुछ कैमरे नाइट में कलर दिखाते हैं, कुछ कैमरे यहाँ पे गाड़ी के नंबर के लिए बने होते हैं जिनको हम ANPR कैमराज बोलते हैं, कुछ कैमरे हमारे HD होते हैं, कुछ IP होते हैं। ये सारे के सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में हमेशा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपका सारा ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि जब भी आप अपने घर के लिए एक आउटडोर कैमरा प्लान करें तो आप किन किन खास बातों का ध्यान रखें उस आउटडोर कैमरे को लगाने से पहले। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट आउटडोर कैमरे के लिए क्या क्या हो सकती हैं। आउटडोर कैमरा जो हमारा लगता है, एक तो मेन गेट पे लगता है जो कि हमारे घर का सबसे मेन गेट होता है, जहाँ से मेन एंट्रीज होती हैं। प्लस इसके साथ साथ जो आउटडोर कैमरा है वो हम अपनी बालकनी के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बालकनी का एरिया देख सकें। प्लस बालकनी के साथ साथ जो हमारा आउटडोर एरिया है, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हो रही है या कुछ ऐसा सिनेरियो है, वहाँ पे भी हम लोग अपना आउटडोर कैमरा लगा सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी को हम एक एक करके यहाँ देखेंगे कि जो सबसे पहला है कि जो हमें अगर हम अपने मेन गेट के लिए लगा रहे हैं तो उस कैमरे के अंदर मैक्सिमम क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। जो इसके लिए जो सबसे पहला फीचर चाहिए, तो एक ऐसा कैमरा चाहिए कि जो रोड साइड है, जो हमारे मेन डोर के बाहर जो हमारा रोड साइड होता है उस पर अगर कोई गाड़ी आके रुकती है तो वो गाड़ी का नंबर भी ले ले, प्लस उसके जो कलर्स हैं, वो गाड़ी का मॉडल है, वो अच्छे से विजिबल हो, प्योरिटी के साथ क्लियर हो। ये उस कैमरे का पहला रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये होता है कि अगर हम लोग रोड साइड पे कोई कैमरा लगा रहे हैं तो वो कैमरा नाइट में भी काम करे और दिन में भी काम करे। नाइट में काम करने के लिए हमें कलर नाइट विजन कैमरा होता है, कलर नाइट विजन कैमरा लेना होता है। कलर नाइट विजन कैमरा मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, IP के अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। मैं कुछ मॉडल्स इस वीडियो के एंड में आपके साथ सजेस्ट करूंगा कि आप मेन डोर के लिए कौन कौन से कैमरे को प्लान कर सकते हैं। मेन डोर के लिए जो कैमरा हम लोग प्लान करें वो थोड़ा सा अच्छा कैमरा होना चाहिए, थोड़ा बेटर कैमरा होना चाहिए, थोड़ी जो क्लियरिटी है वो बेटर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेन एंट्रेंस होती है, हमारे घर की मेन डोर की एंट्रेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है। उसका हमें स्पेशली खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वही हमारा एंट्रेंस पॉइंट है और वही हमारा एग्जिट पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग जो प्लान कर सकते हैं वो एक कलर नाइट विजन कैमरा प्लान कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ कैमरे के अंदर एक्यूसेंस के फीचर होने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे कैमरे के अंदर एक्यूसेंस का फीचर होगा तो हम उसके अंदर मार्किंग कर पाएंगे, प्लस हम कोई इवेंट, कोई ट्रिगर वहाँ पे कर पाएंगे कि सपोज करते हैं रात को हमने 10 बजे से सुबह 5 बजे तक एक ट्रिगर लगाया हुआ है कि हमारे जो मेन डोर की एंट्रेंस है उस पर कोई पर्सन यहाँ पे आता है तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली नोटिफाई करे। कैमरा हम यहाँ पे इस तरीके का भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैमरा ऑटोमेटिकली सायरन भी रेज करे ताकि कोई बंदा है वो अलर्ट हो जाए, इस प्रमिसिस के ऊपर मुझे अभी नहीं एंट्रेंस करना है, तो वो उस तरीके का हम सायरन भी प्लान कर सकते हैं हमारे मेन डोर के एंट्रेंस के लिए। प्लस इसके अंदर जो एक्यूसेंस का फीचर है, एक्यूसेंस के फीचर जैसे हम लोग बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक ऐसा फीचर होता है कि हमारा कैमरा आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई व्हीकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है सामने ये क्या ऑब्जेक्ट है, वो भी हमारा कैमरा इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ इंट्रूजन हमारे कैमरे के अंदर होना चाहिए कि इंट्रूजन डिटेक्शन होना चाहिए कि जब भी कोई वहाँ पे कोई इवेंट हो या कोई वहाँ पे कोई घटना हो रही हो तो कैमरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेट करे हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर। प्लस हम अपने जो DVR है NVR के साथ कोई हम सायरन सिस्टम भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर तो ऑटोमेटिक आता है बट बहुत सारे ब्रांड्स में हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये फीचर भी एक मेन डोर के कैमरे के अंदर होना चाहिए दोस्तों। ये कुछ मिनिमम फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमारे कैमरे के अंदर होने चाहिए। अगर मैं कुछ मेन डोर के लिए आउटडोर कैमरे का यहाँ पे अगर मैं सजेशन दूँ तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि हिगविजन कंपनी की तरफ से है, जिसका जो मॉडल नंबर है DS-2CE10DFOT-PFS। ये एक 2 मेगापिक्सल का कलर कैमरा है। इस कैमरे की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये एक कलर नाइट विजन कैमरा है जो रात को भी कलर दिखाएगा, दिन में भी कलर दिखाएगा। इसकी क्लियरिटी बहुत डिसेंट है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस भी काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस होता है। अगर सेकंड कैमरे की बात करता हूं तो ये 3K का कैमरा है जिसका जो मॉडल नंबर है वो है DS-2CE10KFOT-PFS। ये अगेन एक 3K का कैमरा है, एक माइक के साथ आता है कि इसके अंदर आप ऑडियो भी यहाँ सुन सकते हैं, प्लस एक कलर नाइट विजन कैमरा है। इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, आप दोनों में से कोई भी, दोनों के दोनों ही HD सीरीज में आने वाले हिकविजन के कैमरे हैं। बाकी इससे ऊपर अगर आप जाते हैं या आपका एरिया बहुत बड़ा है तो आप हिकविजन में आने वाले IP कैमराज भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं कुछ मॉडल्स का सजेशन दूँ तो यहाँ पे एक मॉडल आता है जो कि एक 4 मेगापिक्सल का मॉडल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही डिसेंट मॉडल है। पूरा मॉडल नंबर DS-2CD10470-0-3
आई, ये इसका एक पूरा का पूरा मॉडल है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर नाइट विजन कैमरा है। तो ये कुछ मॉडल्स है जो आप अपने घर के मेन डोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेन डोर पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मेन डोर के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इन कैमरास की एक स्पेशल खास बात यह है कि ये आराम से आपका 15 से 20 फीट तक का अगर कोई स्टिल्ट गाड़ी खड़ी हुई है तो उसका नंबर भी यहाँ पे विजिबल करा सकते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे जो लाइटिंग है वो कैसी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे सिनेरियो में देखा गया है कि 2 मेगापिक्सल के कैमरे में भी हमने यहाँ गाड़ी का नंबर ट्रेस किया है, बट कभी कभी ऐसा ऐसा सिनेरियो भी हो जाता है कि 2 मेगापिक्सल के अंदर नंबर का गाड़ी का नंबर नहीं आता। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई कैमरा इंस्टॉलेशन कराएं तो जो आपकी वायर है उस पर आप खास ध्यान रखें, जो उसकी वायरिंग है वो आप किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की वायर कराएं, कोएक्स केबल आप कराएं, थोड़ा हैवी केबल वहाँ पे आप यूज़ करें, आप कोएक्स केबल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप RJ6 केबल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों की दोनों केबल रेकमेंडेड हैं। बाकी अगर आप एक 3+1 की कोई केबल यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छे ब्रांड की ही केबल यहाँ पे यूज़ करें। दोस्तों सेकंड की अगर हम बात करते हैं कि हम लोग जब एक कैमरा प्लान करते हैं अपने किसी भी बालकनी एरिया के लिए, क्योंकि बालकनी का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, आप उसके लिए जब भी कोई कैमरा प्लान करें तो एटलीस्ट ऐसा कैमरा हो कि उसका डे विज़न तो एकदम क्लियर हो ही हो, प्लस नाइट में भी वो एकदम आपको क्लियरिटी दे, क्लियर पिक्चर दे, क्लियर इमेज दे। प्लस साथ साथ कुछ कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनको बालकनी के साथ साथ उनकी गाड़ी जो अगर नीचे खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी जो पार्क हुई है, तो उनको वो भी ट्रेस करना होता है कि हम बालकनी से ही देख पाएँ अपनी गाड़ी को। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 6mm या 8mm का कैमरा हिकविजन की तरफ से आने वाला। 6mm कैमरा, 8mm कैमरे का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो 6mm का कैमरा है उसके अंदर जो जूमिंग की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जनरली जो हमारे घर की बालकनी होती है वो ग्राउंड लेवल से तकरीबन 20 से 30 फीट की डिस्टेंस पे होती है। इसमें कोई भी 3.6mm का कैमरा उतना विजिबल या उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब भी हम पिक्चर को जूम करते हैं 3.6mm के कैमरे में तो हमारी पिक्चर यहाँ पे थोड़ा फटने का जो रहता है, इतनी क्लियरिटी यहाँ पे नहीं मिलती है एक HD कैमरे के अंदर। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप कोई बालकनी के लिए कैमरा प्लान करें तो कोई आप ऐसा कैमरा प्लान करें कि अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली 6mm, 8mm, 12mm तक के भी कैमरे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से कोई भी कैमरा यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बालकनी के लिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि बालकनी के नीचे कोई हमारी गाड़ी पार्क हुई है, हमें वो विजिबल करना है, वो अच्छे से देखना है, तो आप इसके लिए आपको अपने कैमरे का मेगापिक्सल के साथ साथ उसका लेंस भी आपको इंक्रीज करके लेना होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक आउटडोर कैमरास के लिए, बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी इसके रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंड तक देखा। बाकी आप किसी भी कैमरे के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं या उसका नाइट विजन डे विजन चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बाकी इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।